होगा पहले तो, जो हम पहले से जानते हैं मैक्सिमम चीज़ें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसके लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि रिजल्ट हमें ना पता हो, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और मोर देन टू आउटकम्स, दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स होने चाहिए, मोर देन टू और टू आउटकम, दो या दो से ज़्यादा आउटकम आएंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। और रिजल्ट हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हो तो उसका रिजल्ट आपको पता होता है कि ये रिजल्ट आ सकता है ना। लेकिन अगर आपने एक कॉइन को टॉस करा, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, तो ये क्या हो जाएगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसके रिजल्ट कितने हैं? मोर टू तो है ही, हेड और टेल। और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सिर्फ कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरा आप कह सकते हो थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, कोई भी डाइस अगर आप थ्रो कर रहे हो देन आपको पता है रिजल्ट अलग अलग आएंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हाँ 1 2 3 क्या आएगा, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी ताश की गड्डी में से, डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है आपको, देन हमें नहीं पता वो क्या आएगा, तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो ये था रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस कोई भी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, देन उसके जितने पॉसिबल आउटकम होंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी आउटकम होंगे उनका जो सेट होगा वो सैम्पल स्पेस होगा। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास, वो क्या है? थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स, तो टॉसिंग टू कॉइन्स के लिए क्या होगा? या तो दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये होगा टॉसिंग टू कॉइन्स का सैम्पल स्पेस। फिर सैम्पल स्पेस के बाद बात आती है इवेंट। कि इवेंट क्या होता है? तो सैम्पल स्पेस में से कोई से भी एलिमेंट को आप पिक करते हैं, जैसे यहाँ पर है, ये सैम्पल स्पेस था 1 2 3 4 5 6। आपने एक इवेंट डिफाइन करा, इवेंट का मतलब क्या होगा? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इसमें सैम्पल स्पेस के सारे एलिमेंट तो नहीं आए, लेकिन क्या क्या आ सकता है ई के अंदर? 1 3 और 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो
कि इवेंट क्या होता है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसी भी सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए डैश, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ठीक है, या ए के ऊपर बार। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इस तरीके से डिनोट होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, उसका सम हमेशा वन होगा। यानी कि सपोज करो कोई एस था आपके पास, 1 2 3 4 5 6, आपने एक इवेंट ए डिफाइन करा जिसमें आपने बोला कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड में आप 1 3 5 आ गया, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसका और इसका डिफरेंस होगा एस माइनस ए, एस में से ए निकाल देंगे तो 2 4 6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, वन होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब हमने 11th में ही पढ़ा है और 10th में ही पढ़ा है। 10th में बस ये डिफाइंड नहीं होते ये सब चीज़ें अलग अलग कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 11th में ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। तो सबसे पहला आता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी। याद है किसी को क्या होती है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी? वो जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे बचपन से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और यही क्लासिकल डेफिनेशन हर जगह यूज होती है, चाहे आप बायस थ्योरम यूज करो चाहे कुछ भी यूज़ करो, क्लासिकल डेफिनेशन पे ही बात होती है सारी की सारी जितनी भी होती है। ठीक है, तो ये मेन है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा आगे चलने से पहले कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जो डेक ऑफ कार्ड होता है, डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं ना, जिसमें से 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। और रेड में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायमंड, तो डायमंड की शेप ये वाली होती है, दूसरा होता है हार्ट, उसकी शेप ये, ये कितने होते हैं 13, ये भी कितने होते हैं 13। ब्लैक में दो होते हैं, क्लब और स्पेड। स्पेड कैसा होता है, क्लब ये होता है, स्पेड कैसा होता है, हैं उल्टा होता है ना,
कुछ इस तरीके का, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 में 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 ही कितने होते हैं? जैक। 4 कार्ड होते हैं एस, ठीक है। यहाँ पर भी किंग में भी क्या होगा, 2 रेड 2 ब्लैक होंगे, क्वीन में भी 4 रेड 4 वो 2 रेड 2 ब्लैक, जैक में भी सेम, और यही 4 मेन कार्ड होते हैं डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, तो ये चारों यहाँ भी होंगे किंग के पास। किंग भी एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, ठीक है। हर तरीके के कार्ड चार चार होते हैं, इसलिए 13 टाइप्स के टोटल कार्ड होते हैं, 13 टाइप्स के टोटल कार्ड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। टू डाइस आर रोल्ड इफ बोथ डाइसेस हैव 6 फेसेस, 6 फेसेस नंबर्ड 1, 2, 3, 5, 7 and 11, then the probability that the sum of the number on top faces is less than or equal to 8. तो कैसे करेंगे? देखो, जो हमारा रेगुलर डाइस होता है उसमें क्या करते हैं वो लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, लेकिन उसने नंबर अब की बार क्या दिया है, 1, 2, 3, 5, 7, 11 नंबर्स अपनी तरफ से डिफाइन कर दिए उसने। तो अब हमें क्या चाहिए, जो टॉप पर होगा उसमें सम कितना चाहिए, 8, है ना, 8 चाहिए हमें। तो क्या कर सकते हैं, चार्ट बना लें ऐसे दो डाइस के लिए, फटाफट क्या बनेगा, 1 पूरा बनाना पड़ेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 11, 1, 2, 4 नहीं था, है ना, 1, 2, 3, 5, 7 और 11, 1 और 1, 2, भाई सम कर रहे हैं ना, सम की बात करी है उसने, किसकी बात करी है, सम की, तो 1 और 1, 2, 1 और 2, 3, 1 और 3, 4, 1 और 5, 1 और 7, तो इसके आगे जोड़ के भी क्या करूँगा मैं, ज़रूरत ही नहीं है, फिर 2 और 1, 3, 2 और 2, 4, 2, 3, 5, 2 और 5, 7, फिर 9 आएगा, तो छोड़ देते हैं इसे भी, 3 और 1, 4, 3 और 1, 4, 3 और 2, 5, 3 और 3, 6, 3 और 5, 8, फिर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं, 5 और 1, 6, 5 और 2, 7, 5 और 3, फिर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं, 7 और 1, 8, कोई फ़ायदा नहीं, 11 और 1, कोई फ़ायदा नहीं। अब टोटल देखो कितने, 3 2 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, और 1 17, टोटल आउटकम कितने आने वाले थे, कितने, 36 आएंगे ना टोटल, तो यही बन गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आसान था।
सिंपल इवेंट और कंपाउंडेड इवेंट क्या होते हैं? सिंपल इवेंट और दूसरा कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट, एंड स्लैश नहीं है, दोनों है ना, अलग अलग चीज़ें। तो सिंपल इवेंट में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? सिंपल इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ई हमेशा वन होगा। जैसे आपने बोला कि एक डाइस फेंका और एक इवेंट डिफाइन करा कि पाँच आना चाहिए, तो उस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है? फाइव, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास सैम्पल स्पेस था डाइस का 1 2 3 4 5 6, है ना, थ्रोइंग अ डाइस। तो इसका सैम्पल स्पेस ये है, इवेंट क्या डिफाइन कर दिया गया? गेटिंग अ फाइव। तो इसमें इवेंट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? सिर्फ एक ही तो रहेगा, फाइव। तो दैट इज़ नोन एज सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा? सैम्पल स्पेस यही है, लेकिन वो बोल देगा आपको इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या क्या आने वाला है? 2 4 6। तो इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गए ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट है, दैट इज़ वाई कंपाउंड इवेंट हो गया। चलें आगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद है किसी को? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थोड़ा बहुत याद है? कोई सैंपल स्पेस एस है 1 2 3 4 5 6, और दो इवेंट इस तरीके से डिफाइन करे, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए था, ए क्या था? इवेंट ए था कि गेटिंग एन ऑड नंबर, और इवेंट बी था गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप क्या देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाइव। तो ये ए और बी जो इवेंट हैं, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर दूसरा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होगा? इनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो ए और बी देख लो, यही वाला एग्जांपल देखोगे तो इसमें पता चलेगा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? भाई ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे। ए के एलिमेंट क्या है? 1 3 5। ए के एलिमेंट 1 3 5, बी के एलिमेंट 2 4 6। तो ये अपने आप में एस है। तो ये दोनों इवेंट आपस में कैसे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट भी हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई दो इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना आए, लेकिन जैसे यूनियन करोगे तो वो एग्जॉस्टिव हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो एग्जॉस्टिव भी हो, या एग्जॉस्टिव है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारे पास जो सेट थ्योरी के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे, जैसे आप लिखते थे एन ऑफ
ए यूनियन बी, क्या लिखते हो इसे? एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा था हमने चैप्टर वन में। तो इसमें क्या करोगे, इसको अगर आप पूरे सैम्पल स्पेस यानी कि एस से डिवाइड करते हो तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या सेट थ्योरी के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे उन सब में एन की जगह अगर पी कर दोगे देन वो प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो लेंगे, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाना है हमें, बस ध्यान रखना इस बात को कि हाँ ऐसा होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमें पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपसे पूछा जाएगा पी ए बाय बी, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। ये जो यहाँ पर लिखा है पी ए बाय बी, इसका मीनिंग क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already happened। सबसे बड़ी बात यह है कि A by B दोनों, A और B जो दोनों होंगे वो सेम सैंपल स्पेस से होंगे, दोनों इवेंट A और B दोनों सेम सैंपल स्पेस से इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रॉबर्टी है। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका, क्या है क्वेश्चन? रोल अ फेयर डाइस ट्वाइस, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द टू रोल्स इक्वल सिक्स एंड लेट बी be the event that the same number comes up twice. What are P A by B? सोचो कैसे करेंगे।